अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफीक और मैं आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदेद कहता हूं। तो आइए क्वाड्रेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप मेरे तमाम लेक्चर को सीक्वेंस में देखिएगा और हर लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक्स के लेक्चर नंबर 9 के पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिवर्स एप्लीकेशन से क्या मुराद है? जो हमने पिछले लेक्चर पढ़े हैं उसमें हमने ये देखा कि हमें क्वेश्चंस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है और हमें कहा जाता है कि आप डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं। अब रिवर्स एप्लीकेशन में क्या होगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर नेचर ऑफ रूट्स दिया गया होगा लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई ऐसा पैरामीटर या ऐसा कोई अननोन मौजूद होगा जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट से नेचर ऑफ रूट्स के मुताबिक डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे और डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू डाल देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखेंगे कि दो तरह की सिचुएशन अराइज होगी, या तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी यानी इक्वल टू जीरो होगा और हम उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके वो जो अननोन यानी जो पैरामीटर दिया गया होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर जो है वो कोई इनइक्वालिटी बनेगी तो इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर जो इनइक्वालिटी बनेगी वो लीनियर इनइक्वालिटी होगी, लीनियर इनइक्वालिटी को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बने तो उसको जो फंक्शन होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन उसका पैराबोला यानी ग्राफ ड्रॉ किए बगैर सॉल्व नहीं किया जा सकता, या करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो रिवर्स एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए से समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आप यहां पे ये नोट करें, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसके अंदर k एक अननोन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, और साथ ही इंफॉर्मेशन दे दी है कि इसके रूट्स रियल हैं और इक्वल है। इसका मतलब है इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे और उसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे। तो वैल्यू उसमें डालेंगे और वैल्यू डालने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन कंसिडर करते हैं। सोल्यूशन जरा देखें, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो हमने ये इक्वेशन एज इट इज लिखती है। अब यहां से ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करके लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है यहां पर और बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पर बी की वैल्यू के, सिमिलरली सी की वैल्यू के आ गई। अब हमें इंफॉर्मेशन में है कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट लिख के इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। लेकिन ये जो मैंने कहा है इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयर फोर बी स्क्वेर्ड माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये रिवर्स एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में डिस्क्रिमिनेंट को चूज करेंगे जो इंफॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमने लिख दिया सिर्फ इस रियल और इक्वल की वजह से। वैल्यू डाल दें इसमें, तो बी की वैल्यू के है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू के है, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इक्वल टू जीरो, सिंप्लीफाई किया के स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल टू जीरो। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन के, इसको सॉल्व करना यानी इसके रूट्स निकालने हैं। तो क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट मिस है इस वजह से के आसानी से कॉमन निकाल लेते हैं और एक रूट इसका जीरो जरूर निकलेगा। तो ये हमने यहाँ पर इसका प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो लिख लिया, इधर के इक्वल टू जीरो और दूसरा के माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो हम ये लिख लेते हैं, इधर के इक्वल टू जीरो और दूसरा के माइनस फोर इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू फोर, यानी के की वैल्यू एक जीरो आ गई और के इक्वल टू फोर आ गई। ये डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हमने निकाल लिए। अब हम ये लिख भी लेते हैं कि हमें के की वैल्यू क्या मिली है, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स फॉर के इक्वल टू जीरो एंड फोर। अब
इसको जरा समझ लेते हैं, क्वेश्चन तो खत्म हो गया लेकिन इसके मीनिंग जान लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन जो गिवन है, इसमें आप के को फोर पुट कर दें और उसको सॉल्व कर लें, तो आप देखेंगे उसके रूट्स जो है वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, या आप के को जीरो पुट कर लें तब भी सॉल्व करेंगे तो उसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो ये हमने रिवर्स एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट को एग्जाम्पल नंबर वन के जरिए से अंडरस्टैंड किया है। अब एग्जाम्पल नंबर टू डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू की स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच 3x² + 2x + p = 0 एज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके रूट्स की नेचर के बारे में, यानी रियल भी है और डिस्टिंक्ट है। हमें पता है कि ऐसी सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये हम लिख लेंगे। इसका सोल्यूशन जरा देखें, सोल्यूशन में हमने एज इट इज इक्वेशन लिख ली, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू पी। ये हमें पता है कि x² के कोएफिशिएंट के साथ जो भी होता है वो ए होता है, एक्स के कोएफिशिएंट क्या होता है वो बी होता है, और कॉन्स्टेंट टर्म सी होती है। तो ये हमने लिख लिया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखते हैं किसकी बुनियाद पे, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है। तो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, सिंस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देयर फोर बी स्क्वेड माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी और सी की वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 4 - 12p > 0। आप देखें ये एक इनइक्वालिटी बन गई है, इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी इन पी। और जो इनइक्वालिटी है वो भी लीनियर है क्योंकि पी की पावर 1 है। तो ये आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर देंगे, या पहले इसको जरा लिख लेते हैं कि 12p इज लेस देन 4, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, पी को के साथ जो 12 है इसको खत्म करना है, तो दोनों तरफ 12 पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं। और हमें पता है कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो इसकी डायरेक्शन, यानी इक्वल जो इनइक्वालिटी साइन है ये चेंज नहीं होती इसकी डायरेक्शन, तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। तो इस तरह से हमने ये एक रेंज फाइंड आउट कर लिया है। इसका क्या मतलब है कि अगर पी लेस देन 1/3, 1/3 से लेस कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में पी की जगह पे पुट करके सॉल्व करेंगे तो उसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट निकलेंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ना रिवर्स एप्लीकेशन में और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 की स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ, शो दैट पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3 फॉर रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2px = p - 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 1 - p। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह से इसका सोल्यूशन हमारे पास आएगा, यानी हमने p की वैल्यूज रेंज की सूरत में हो या वैसे भी हो। तो आप यहाँ पर देख लें कि रियल रूट्स लिखा हुआ है, खाली रियल रूट्स। ये चौथा केस हमारा बनता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इक्वेशन एज इट इज लिख ली, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म राइट साइड पे है, तो इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेगा तो इसका साइन चेंज होगा। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू 2p है, सी की वैल्यू, ये सारी सी की वैल्यू होगी क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, लिहाजा ये सी की वैल्यू होगी। रूट्स क्योंकि रियल है इस वजह से हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखेंगे, सिंस द रूट्स आर रियल देयर फोर b² - 4ac > 0। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, b की वैल्यू ये 2p पुट कर दी, फॉर्मूला में -4 है, a की वैल्यू 1 पुट कर दी और c की वैल्यू, ये सारी जो वैल्यू है इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया है। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 4p² आ गया, ये 4 मैंने लिख दिया, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके भी लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहले इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये 4p² एज इट इज +4, यहाँ से p को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, p को p से किया तो -p² -2 को इससे, फिर -2 को इससे, तो ये आ गया +2p। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये 2p है और ये p है और बाहर जो है वो 4 भी है,
हम क्या करते हैं कि फोर से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई इसको करते हैं। तो ये देखिए 4t² प्लस 4t माइनस 4t² माइनस 8 प्लस 8p। अब हमें पता है कि ये p² और ये p² 4 4 हैं, तो 4p² जो है वो माइनस 4p² के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमने इनको कैंसिल कर दिया और इस p 8p को और 4p को कंबाइन कर दिया, तो 12p माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो ये इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 8 को उधर ले जाएं या दोनों तरफ प्लस 8 ऐड कर दें तो 8 यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर 12 से डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो 2/3 आ गया। तो ये इसका सोल्यूशन है। यानी अगर आप पी की वैल्यू 2/3 इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लें, या कोई भी वैल्यू जो 2/3 से बड़ी हो इसमें डाल के सॉल्व कर लें, तो उसके हमेशा रूट्स रियल ही निकलेंगे। तो ये रिवर्स एप्लीकेशन है। और नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर फोर की स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इफ द इक्वेशन एम इंटू एन प्लस वन टाइम एक्स स्क्वेड प्लस एन प्लस वन टाइम एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, एक्सप्रेस एम इन टर्म्स ऑफ एन। तो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया कि रियल रूट्स हैं और इक्वल हैं। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि एम इन टर्म्स ऑफ एन हमें शो करना है। यानी लेफ्ट साइड पे एम होगा इक्वल टू एन की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन आ जाएगी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में आप देखें, एज इट इज मैंने इक्वेशन लिख दी और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लिहाजा मुझे आसानी से ए की वैल्यू लिखने में ये है कि एम आ गया, ए इक्वल टू एम टाइम्स एन प्लस वन। बी की वैल्यू ये लिखी हुई है जो एक्स का कोएफिशिएंट, और सी की वैल्यू 1 है। तो इन्फॉर्मेशन में है कि रियल एंड इक्वल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं। सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयर फोर बी स्क्वेड माइनस 4ac इक्वल टू 0 वैल्यूज पुट कर दी हमने। बी की वैल्यू ये पुट की है माइनस 4, ए की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये मैं माइनस 4 टाइम्स एम एन प्लस 1 और ये 1 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इस जगह पर भी एन प्लस 1 है और इस जगह पर भी एन प्लस 1 का स्क्वायर है, तो एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके। तो हमने ये एन प्लस 1 कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब आप देखें कि एक फैक्टर ये है और एक वो बड़ा फैक्टर हम देख रहे हैं जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एम इन टर्म्स ऑफ एन। तो ये जो पहला फैक्टर है इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, एम इसमें नहीं होगा, तो हम इस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। तो दूसरे फैक्टर से एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। निगलेक्ट एन प्लस 1 बिकॉज इट डजेंट कंटेन एम, देयर फोर एन प्लस 1 माइनस 4m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करते हैं, 4m को उधर ले जाते हैं और क्या बन जाएगा, 4m इज इक्वल टू एन प्लस 1। तो ये मैंने लिख दिया 4m इज इक्वल टू एन प्लस 1 और यहाँ से 4 से डिवाइड कर देते हैं तो m इन टर्म्स ऑफ n आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया m इज इक्वल टू एन प्लस 1/4। तो हमने m को इन टर्म्स ऑफ n एक्सप्रेस कर दिया। आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।